दोस्तों, ये वीडियो एक खास टॉपिक पर बनाया गया है जो हम सबका फेवरेट है। टॉपिक है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर 10-20 साल पहले की बात करें तो ऐसा होता था कि कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई इनोवेशन की है और उसने उसको पेटेंट करा लिया तो उसको एक रॉयल्टी आती रहती थी। या फिर आप कमाल के सिंगर हैं, आपने गाना गा लिया और बहुत चल निकला, उसकी एक रॉयल्टी आती रहती थी। या फिर आपने बुक लिखी और वो मार्केट में बहुत चली, उसको आपने पेटेंट करा लिया तो उसकी एक रॉयल्टी आती थी। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अब वो ज़माना नहीं कि जो हम सोचते थे कि एक बड़े लोगों का काम है या बड़े लोग होते हैं जिनको ये रॉयल्टी मिल सकती है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और हम सब उस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। इस टेक्नोलॉजी में आने के बाद पैसिव इनकम कमाना बहुत ईजी हो गया है। ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास जो आपको देना चाहता हूँ मैं। उनमें से 6 आइडियाज़ ऐसे हैं जो आपके स्किल पर डिपेंड करते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी नॉलेज किस में ज़्यादा है, आप किसी भी एज में हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने कोई ऑफिस नहीं बनाना है, आपने सिर्फ काम करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और देखिए पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम वो होती है जिसके आपने एक बार काम कर लिया, एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद आपको पैसिव इनकम लाइफ टाइम तक आती रहेगी। आपकी इन्वॉल्वमेंट करीब करीब ना के बराबर होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने एक बार जो काम किया है वो कैसा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम। आइडिया नंबर 1, राइट ए ब्लॉग। आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं। आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से। अगर लोगों को पसंद आता है तो आपके बहुत सारे फॉलोवर हो जाएंगे। अगर फॉलोवर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो आपको एक इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। आप कंटिन्यू ब्लॉग लिखते रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ब्लॉग एक परमानेंट लोगों को पसंद बन जाता है और वो काफ़ी लोग उसमें पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपकी एक इनकम, पैसिव इनकम बननी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड आइडिया की, YouTube चैनल। YouTube चैनल एक फ्री मीडियम है, कोई भी इस पर जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी वीडियो बना सकता है। आप एक अच्छी वीडियो बनाकर अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको अपलोड कर सकते हैं। इसका कोई चार्जेज नहीं है। आपने देखा कि छोटे छोटे दुकानदार भी आजकल अपना सामान बेचने के लिए YouTube पे आते हैं। इसलिए आप कभी भी, आपने सुना होगा एक बाबा का ढाबा जो इतनी जल्दी पॉपुलर हो गया YouTube की वजह से, एंड उसकी इनकम जो 100 रुपये नहीं हो रही थी हज़ारों में हो गई। तो YouTube एक बहुत फास्ट मीडियम है पैसा कमाने का, पैसिव इनकम का। अगर आपने अच्छा वीडियो डाला, अच्छा वीडियो बनाया, उसके कंटेंट अच्छे हैं, अगर आपकी नॉलेज के हिसाब से वो लोगों को पसंद आता है तो आप एक अच्छी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। तीसरा आइडिया है सेल प्रोफेशनल फ़ोटोज़। आप बहुत बार घूमने जाते होंगे, अपने मोबाइल से बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचते होंगे, लेकिन अगर अच्छे फोटोग्राफ आप लेते हैं तो उनको भी आप किसी वेबसाइट पर जाके जो इनके लिए पॉपुलर हैं सेल कर सकते हैं। उन फोटोग्राफ से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम है जो आप उससे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी हर किसी का शौक है। हम दिन में 4-5 फोटोग्राफ खींचते हैं, लेकिन जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे हिल स्टेशंस पे, बहुत सारी आउटिंग पे जाकर हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। उनमें से कुछ फोटोग्राफ को आप अपलोड कर सकते हैं, हो सकता है वो लोगों को पसंद आए। इसमें आपने कोई खर्च नहीं करना है, आप तो वैसे भी घूमने जा ही रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। एक अच्छा आइडिया है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अगला आइडिया है, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। आज की डेट में किताब पब्लिश कराना उतना मुश्किल नहीं रहा है। आप एक ई बुक बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं अमेजोन और अदर वेबसाइट्स पे, आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन जो किताब आप लिखेंगे उसमें काफ़ी फिक्शंस होती हैं, नॉन फिक्शंस बुक्स होती हैं। फिक्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाकी जितने टॉपिक होते हैं सेल्फ हेल्प पे या आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर लिख सकते हैं, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं उसके ऊपर बुक्स लिख सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से भी बुक्स लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक शौक होना चाहिए कि आपने बुक लिखनी है, और उस बुक को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज की डेट में एक दिन में मिलियंस बुक बिकती हैं। तो एक ऐसा जरिया जिससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जो कंटेंट आप बुक में डालेंगे अगर वो चल निकला तो समझिए आपकी पैसिव इनकम परमानेंट हो सकती है। आइडिया नंबर पाँच है मेक ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स का मतलब है कि अगर आप बहुत अच्छे से वीडियो पे या कैमरे पे सामने आने से हेजिटेशन होती है तो आप एक ऑडियो बुक्स बना सकते हैं। ऑडियो बुक बनाने के बाद उसको अपलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर iTunes हैं जिनके ऊपर सभी ई बुक को अपलोड कर देते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एक बार वो बुक चल निकली तो आप रेगुलर उसको पब्लिश कराकर भी मार्केट में ला सकते हैं।
जितनी भी ई बुक्स होती हैं आज की डेट में बहुत सारी बिकती हैं, बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केट से जाकर वेबसाइट्स पे जाकर परचेज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जितना वो डाउनलोड करेंगे उससे आपकी इनकम जनरेट होगी। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है पैसिव इनकम कमाने का। छठा और लास्ट नॉट द लीस्ट आइडिया है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग में आप बिजनेस कोई भी कंपनी का ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा जरिया है पैसिव इनकम बनाने का। आपको बहुत इंटरेस्ट लेके इसमें काम करना होता है। एक बार अगर आपने मेहनत की अपने नेटवर्क बनाने में तो आपको लाइफ टाइम की इनकम जनरेट हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों को खरीदते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फिर लोगों को रिकमेंड करते हैं। जैसे जैसे आप रिकमेंड करते चले जाते हैं तो आपका नेटवर्क बड़ा होता चला जाता है। जब आपका नेटवर्क कोई भी परचेज करता है तो आपको उसकी इनकम मिलती है। वन टाइम हार्डवर्क के बाद आपको एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया जाता है, हो जाता है, जिससे आपको एक बड़ी इनकम भी हो सकती है। इसका इनकम 35,000 रुपये महीने से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी पावर है नेटवर्क की, डायरेक्ट सेलिंग की और पैसिव इनकम बनाने की। दोस्तों मैंने आपको 6 आइडिया दिए हैं जिससे आप घर बैठे बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना ऑफिस खोले पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे आइडिया यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।